गाइस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन पे क्लिक करें डेली न्यू वर्ड्स सीखने के लिए। हे गाइस वेलकम टू ओनली वोकैबुलरी। सो टुडे इज 17 अप्रैल 2017 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर विद पिक्चर्स, ट्रिक्स टू रिमेंबर दिस वर्ड्स, synonyms, antonyms and some related words and related forms. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. And aaj hum ye 7 words discuss karne wale hain the Hindu newspaper ke. And guys, aaj maine video ke last mein aap mein se kisi ne kuch doubt pucha hai to us maine doubt ko bhi include kiya hai video ke last mein. और मैंने उसे इसलिए इंक्लूड किया कि शायद आप में से ही बहुत का वो डाउट हो सकता है और उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं वर्ड्स को इतने डीपली क्यों समझाता हूँ। आपने कभी नोटिस किया होगा तो आपको पता होगा मैं वर्ड को बहुत ही डीपली समझाता हूँ कि आप उसे ये कह सकते हैं, आप उसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ये वो, मतलब मैं बहुत ही डीपली समझाता हूँ। तो आपको उस डाउट से क्लियर हो जाएगा कि मैं वर्ड को इतने डीपली क्यों समझाता हूँ। जैसे यहीं देख लो, मैंने इस वर्ड को, आप इसे ये कह सकते हैं, आप इसे ये भी कह सकते हैं, तो ये मैं दो दो बार इंक्लूड क्यों करता हूँ, मतलब आपको सब क्लियर हो जाएगा उस डाउट्स। ओके, सो हमारा फर्स्ट वर्ड है परफिडी। परफिडी मीन्स द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ अनदर। मतलब किसी का ट्रस्ट तोड़ना या किसी को धोखा देना या किसी के साथ नमक हरामी करना को कहते हैं परफिडी। जैसे सपोज आपके फ्रेंड ने आपको अपने बिजनेस रिलेटेड या अपने काम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताए हैं और आपने उस सीक्रेट को सबको पब्लिकली अपने फ्रेंड को बता दिया, तो आपने एक्चुअली में उसका ट्रस्ट तोड़ा, आपने उसको धोखा दिया, आपने उसके साथ नमक हरामी किया, तो उसे कहेंगे परफिडी। सो परफिडी मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फेथलेस और डिसलॉयल, और यू कैन से बिहेवियर दैट इज नॉट लॉयल। हिंदी में से कहेंगे नमक हरामी या विश्वासघात, आपने उसके साथ विश्वासघात किया या नमक हरामी। और परफिडी को याद रखने के लिए आप इसको करो रिलेट परफिदा से, परफिडी परफिदा। तो सपोज किसी और पर फिदा हो गया। जैसे देखो ये जो बंदा है ये किसी और पर, मतलब इस पर फिदा हो गया, तो ये इसका क्या कर रहा है, ये इसके साथ इसका धोखा दे रहा है, इसके साथ नमक हरामी कर रहा है, इसका ट्रस्ट तोड़ रहा है, तो इसे भी कहेंगे परफिडी। तो ये किसी और पर फिदा हो गया, could be described as perfidy. For example, he decided to forgive his wife's perfidy. Next is they were guilty of perfidy. And इसके related words है perfidious, ये एक adjective है. And perfidy के synonyms है disloyal, faithlessness, corruption, falseness, double dealing में दोनों तरफ deal कर रहा है. And इसके antonyms है loyalty, fidelity, honesty, faith. नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रोट्रूड। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोट्रूड। प्रोट्रूड मीन्स समथिंग दैट ग्रो आउट ऑफ बियॉन्ड ए यूजुअल पॉइंट। मतलब ऐसा कुछ जो नॉर्मल से ज़्यादा उभरा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ जो नॉर्मल से ज़्यादा उभरा हुआ है या वो बाहर निकला हुआ है, तो उसे ही कहेंगे प्रोट्रूड। जैसे आपका नाक, जैसे आपका जो नाक है ना वो थोड़ा उभरा हुआ है, थोड़ा बाहर निकला हुआ है। ऐसा नहीं कि जो लंबा नाक है मैं उसको बोल रहा हूँ, वो सबका नाक होता है ना, सबका नाक थोड़ा उभरा हुआ है, थोड़ा निकला हुआ होता है, तो उसे भी कहेंगे प्रोट्रूड। या जैसे आप करते हो ना जीभ निकाल के जो करते हो ना, तो उसमें भी जो आपका जीभ निकला हुआ रहता है उसे भी आप बोल सकते हो प्रोट्रूड। या जैसे दीवार या वाल में होता है ना, वो किसी आप सेल्फ लगाने के लिए सेल्फ या जो रेक रहता है वो भी दीवार से निकला हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, तो उसे भी कह सकते हो आप प्रोट्रूड। या जैसे किसी को होता है ना ग्वाइटर, पता है ना जो गला में हो जाता है ग्वाइटर, तो ग्वाइटर में आपका जो गला से वो थोड़ा उभरा हुआ रहता है, निकला हुआ रहता है, तो उसे भी आप बोल सकते हो प्रोट्रूड। या जैसे आप लॉलीपॉप खाते होंगे तो लॉलीपॉप का जो स्टिक रहता है वो भी निकला हुआ रहता है, तो उसे ही बोल सकते हो आप प्रोट्रूड। तो प्रोट्रूड मीन्स extend out और project in space, और कैन से bulge outward। bulge मैंने डिस्कस किया ना, मैं bulge मतलब जो उभरा हो रहा था, तो bulge outward।
जैसे यहीं यहीं देख लो पिक में, देखो ये है और देखो ये उभरा हुआ मतलब निकला हुआ या उभरा हुआ है, जैसे ये भी तो निकला हुआ है। तो ऐसे कुछ भी जो मतलब जो नॉर्मल है ना, ये हुआ नॉर्मल और इसे निकला हुआ है, निकला हुआ उभरा हुआ है, तो उसे बोलेंगे प्रोट्रूड। हिंदी में से कहें बाहर निकला हुआ, बाहर निकला हुआ होना या उभरना। और इसे याद रखो आप प्रो से, ओके प्रोट्रूड प्रो, प्रो एक्चुअली रूट वर्ड है, इसका ही मीनिंग होता है फॉरवर्ड, जैसे है ना आगे, फॉरवर्ड या आउट, जैसे ये आउट है फॉरवर्ड है, तो प्रो प्रो मीन्स फॉरवर्ड या आउट। सो प्रोट्रूड मीन्स जो बाहर निकला हुआ है, जो बाहर निकला हुआ उभरा हुआ वो प्रोट्रूड। फॉर एग्जाम्पल हिज लोअर जो प्रोट्रूड्स स्लाइटली, मतलब जो लोअर जो है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ उभरा हुआ, तो वो होगा। एंड इसके रिलेटेड वर्ड से, इसके रिलेटेड वर्ब फॉर्म है प्रोट्रूड, प्रोट्रूडेड, प्रोट्रूडिंग, डिंग। एंड इसके जब इसे एज एडजेक्टिव यूज करें तो वो होगा प्रोट्रूडेबल। एंड प्रोट्रूड के सिनोनिम्स है बल्ज, पुक, बलून, बलून भी होता है ना उभरा हुआ, बलून, स्टैंड आउट। एंड इसके एंटोनिम्स है कंप्रेस, श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट, कंप्रेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है राफ्ट। राफ्ट मीन्स, एक मीनिंग तो शायद आपको पता होगा ना, राफ्ट, राफ्ट, राफ्टिंग, जैसे ये जो है ना, ये है ना, ये इसे बोलते हैं राफ्ट, ओके। ये से जो होता है ये बोट है या सेलिंग क्राफ्ट है, तो इसे बोलते हैं राफ्ट। और ये जो कर रहे हैं, ये जो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जो इसे कहते हैं राफ्टिंग, ओके। तो ये आपको पता ही होगा, एक मीनिंग है राफ्टिंग। और एक राफ्टिंग का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, मतलब जो बहुत सारे अमाउंट में, जो बहुत सारे अमाउंट में होता है, तो उसे ही बोलते हैं राफ्ट। तो एक मीनिंग हुआ ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो है ना, ये इसे, ये जो क्राफ्ट है, ये बोट है, ये हुआ राफ्ट। और जो लार्ज नंबर, बहुत ही लार्ज नंबर में हो, उसे बोलते हैं राफ्ट। सो राफ्ट मीन्स एक, ए राफ्ट इज ए वेसल, जैसे ये है ना, ए राफ्ट इज ए वेसल और ए स्ट्रक्चर दैट्स मेड टू फ्लॉट ऑन वाटर, जैसे ये जो फ्लॉट कर रहा है और ये लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जो सब मिलके जो कर रहे हैं, ये होगा राफ्टिंग और ये इसे बोलते हैं राफ्ट। और एक राफ्ट का मीनिंग बताया जो मैंने, जो बहुत लार्ज नंबर या जो लार्ज अमाउंट में, उसे बोलते हैं, जैसे यहाँ देखो ए लार्ज कलेक्शन और नंबर, जो किसी लार्ज कलेक्शन या बहुत सारे में, उसे ही बोलते हैं राफ्ट। हिंदी में कहेंगे बेड़ा। और उसे याद रखो आप राफ्टिंग से, ओके, जैसे ये ना राफ्टिंग कर रहे हैं, तो राफ्ट ऑफ पीपल, राफ्ट ऑफ पीपल मतलब लार्ज नंबर पीपल, जैसे आप समझ लो ये लोग लार्ज नंबर पीपल है, तो राफ्टिंग राफ्टिंग कर रहे हैं राफ्ट ऑफ पीपल, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर ए राफ्टिंग ट्रिप, ओके। तो इसे याद रखो राफ्टिंग से, राफ्टिंग में लार्ज नंबर पीपल है, तो लार्ज नंबर पीपल हो गया राफ्ट, और राफ्टिंग तो राफ्टिंग आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल ए रबर राफ्ट, जैसे ये रबर कहीं होता है रबर राफ्ट, राफ्ट ऑफ बर्ड, राफ्ट ऑफ मतलब लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स, देखो ये हुआ इसके सेंस में और ये राफ्ट ऑफ बर्ड हुआ इसके सेंस में, ओके, लार्ज नंबर ऑफ। एंड इसके रिलेटेड सिनोनिम्स है अबंडेंस, बंडल, अलॉट, सेवरल, मेनी, न्यूमरियस। एंड इसके एंटोनिम्स है फ्यू, स्कार्स। एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनिमिकल। नेक्स्ट वर्ड इज इनिमिकल। इनिमिकल मीन्स नॉट फ्रेंडली, मतलब ऐसा कुछ जो फ्रेंडली नहीं है, अब वो फ्रेंडली नहीं है तो वो आपके लिए हार्मफुल होगा, आपके लिए हॉस्टाइल होगा, या वो आपका एनिमी होगा, या वो आपके इंटरेस्ट में नहीं होगा, तो उसे ही कहते हैं इनिमिकल। मतलब ऐसा कुछ भी जो फ्रेंडली नहीं है, अब मतलब ऐसा कुछ भी जो आपके लिए फ्रेंडली ना हो, तो मतलब कोई इमोशन या कोई एक्शन जो आपके लिए फ्रेंडली ना हो, तो उसे ही कहते हैं इनिमिकल। सो इनिमिकल मीन्स लाइकली टू कोज डैमेज और हैव ए बैड इफेक्ट, हिंदी में से, और यू कैन से नॉट फ्रेंडली, हिंदी में से कहेंगे हानिकारक या विरोध। और इसे याद रखो आप एनिमी से, एक्चुअली इनिमिकल ना, इनिमिकल का मतलब भी होता है एनिमी, रूट वर्ड है, इसका मतलब भी होता है एनिमी, तो इनिमिकल को आप याद रखो एनिमी से ही। तो जो आपका एनिमी है तो वो आपका फ्रेंड तो होगा नहीं, वो जैसे मैंने कहा ना नॉट फ्रेंडली, तो एनिमी आपका फ्रेंड होता नहीं है, जो आपका एनिमी है तो वो आपसे फ्रेंडली नहीं होगा, आपके लिए हार्मफुल होगा, हॉस्टाइल होगा, एनिमी तो होगा ही, और वो आपके इंटरेस्ट में भी नहीं होगा, तो वो होगा एनिमी। तो इसको याद रखो आप एनिमी से ही। तो एनिमीज आर इनिमिकल, मतलब एनिमीज आर एनिमिकल, मतलब एनिमीज आर नॉट फ्रेंडली। फॉर एग्जाम्पल एन इनिमिकल क्रिटिक, मतलब जो मतलब नॉट फ्रेंडली क्रिटिक। नेक्स्ट इज ड्राई कंडीशंस कैन बी इनिमिकल टू प्लांट लाइफ, मतलब ड्राई कंडीशन इनिमिकल मतलब नॉट फ्रेंडली टू प्लांट लाइफ। एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है इनिमिकली, ये एक एडवर्ब है, एंड इनिमिकलिटी एक नाउन है। एंड इनिमिकल के सिनोनिम्स होंगे हार्मफुल, हॉस्टाइल, एडवर्स, इंजीरियस, अनफ्रेंडली। एंड इसके एंटोनिम्स होंगे फेवरेबल, फ्रेंडली। नेक्स्ट वर्ड हमारा है
exasperate. Next word is exasperate. Exasperate means to make someone very annoyed. To make someone very annoyed. मतलब किसी को गुस्सा दिलाना या किसी को भड़काना को कहते हैं exasperate. जैसे सपोज आपका किसी फ्रेंड से फाइट हो गया और आपका दूसरा फ्रेंड आपको उसके खिलाफ़ भड़का रहा है, आपको उसके खिलाफ़ और गुस्सा दिला रहा है ताकि और फाइट हो और आप उससे लड़ो, तो उसे भी कहेंगे एग्जास्परेट. सो एग्जास्परेट मीन्स, और आप इसे ऐसे भी कर ले सकते हो जैसे सपोज़ आप किसी लाइन में खड़ोगे, मतलब सपोज़ आप कुछ आपको लेना है तो आप किसी लाइन में खड़े हो और वो लाइन आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आगे से कोई घुसा जा रहा है तो आपको लाइन में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो आप उस टाइम पे जो गुस्सा होगे, आप उस टाइम जो आपको गुस्सा आएगा तो उसे ही कहेंगे एग्जास्परेट. सो एग्जास्परेट मीन्स ग्रेटली एनॉयड और आउट ऑफ पेशेंस. और कैन से टू मेक समवन वेरी एंग्री और एनॉयड. हिंदी में कहेंगे भड़काना या उत्तेजित करना या क्रोध दिलाना. जैसे ये देखो, क्रोध होकर आग लाल हो गया पूरा. और इसे याद रखने के लिए इसको करो रेड एक्सेस परेड. सो सपोज यू आर इल एंड इफ यू आर आक्स टू परेड, आपको बीमार है एंड यू आर आक्स टू परेड एक्सेस, आपको एक्सेस परेड करें, होता है ना लेफ्ट राइट वाला परेड, तो यू आर आक्स टू परेड एक्सेस, यू विल एनॉय एंड बिकम एंग्री as it may worsen your health condition. तो वो होगा exasperate, तो आपको गुस्सा आएगा ही ना, तो वो होगा exasperate. For example, he was exasperated by the senseless delays. And इसके related words है exasperately, ये एक adverb है. And exasperate को as इसके synonyms है annoy, irritate or agitate, enrage, miff, outrage. And इसके antonyms है appease, pacify, delight, placate, please, gratify. Next word हमारा है dismal. Next word is dismal. Dismal means causing unhappiness. Or you can say extremely unsatisfied. मतलब निराश हो जाना. जैसे suppose आपने कोई काम किया और वो काम आपसे ठीक से नहीं हुआ, तो आप उस काम से संतुष्ट नहीं हो, तो आप जो उस टाइम थोड़ा सैड फील करोगे, मतलब जो आप अनसेटिस्फाइड हो उस काम से, आप अनसेटिस्फाइड हो तो आप थोड़ा निराश हो जाओगे, तो उसे ही कहेंगे डिसमल. सो डिसमल मीन्स सोइंग अनहैप्पीनेस और सैड फीलिंग. और यू कैन से सैड एंड विदाउट होप. जैसे इस बंदे को ही देख लो, हिंदी से कहेंगे निराशाजनक. देखो इसे एग्जाम्पल सच क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल है ए डिसमल परफॉर्मेंस, मतलब उसने जो परफॉर्मेंस किया वो उस लेवल का नहीं था जिसने वो सोचा था, मतलब वो थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हो पाया उस काम से, तो डिसमल परफॉर्मेंस था उसके लिए, ओके, निराशाजनक परफॉर्मेंस था. और नेक्स्ट इज द टीम्स रिकॉर्ड इज डिसमल. एंड इसके रिलेटेड वर्ड्स है डिसमली, एक एडवर्ब है एंड जब इसे एज एन नाउन यूज करेंगे तो वो होगा डिसमलनेस. एंड डिसमल के सिनोनिम्स होंगे डिप्रेसिंग, मर्की, सैड, डिस्करेजिंग, पैथेटिक. एंड इसके एंटोनिम्स है हैप्पी, चेयरिंग, सेटिस्फैक्टरी. नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेटिन्यू. मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट एकम्पनी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन. मतलब किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन के साथ उनके पीछे जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं, उनके असिस्टेंट होते हैं या उनके साथ और भी जो लोग होते हैं उसे ही कहते हैं रेटिन्यू. जैसे स्पीक में देख लो, ये जो है ना मोदी जी के साथ, हमारे पीएम मोदी के साथ, इनके आगे पीछे तो कोई, पीछे इनके जो बॉडीगार्ड्स हैं इनके साथ बॉडीगार्ड होंगे, या इनके अभी तो है नहीं लेकिन इनके पीछे में इनके असिस्टेंट होंगे, इनके पीए होंगे या और भी सारे जो लोग होंगे उन्हें कहेंगे रेटिन्यू. सो रेटिन्यू मीन्स ए ग्रुप ऑफ हेल्पर सपोर्टर और फॉलोअर्स. हिंदी में कहेंगे नौकर चाकर या साथी संगी जो होंगे इनके साथ. और इसे याद करो रिटेन से, रेटिनाइन रिटेन.
So if you are hire someone to help you out while you travel, you are retaining their services. When their services are retained, they become part of your retinue. Okay. For example, a pop star traveling with his retinue. मतलब वो अपने लोगों के साथ travel with his retinue. And इसके as a जब exactly use करें तो वो होगा retinued. And retinue के synonyms होंगे crew, होता है ना, crew members, staff, assistants, helper, retainer. And इसके antonyms हैं individual. So guys, हम इस सामने डिस्कस मतलब वो रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड था हमारा परफिडी. परफिडी मतलब किसी का ट्रस्ट होना, किसी का ट्रस्ट होना, धोखा देना, नमक हरामी करना, तो वो होता है परफिडी. जैसे ये देखो, ये भी बंदा कर रहा है और जो अपने अपने फ्रेंड का ट्रस्ट तोड़ा था. नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रोटूड. प्रोटूड मतलब जो उभरा हुआ रहता है, निकला हुआ रहता है, तो उसे ही कहते हैं प्रोटूड. जैसे ये देखो, ये जो ये पिक में है ना, निकला हुआ, उभरा हुआ, तो इसे बोलते प्रोटूड. नेक्स्ट वर्ड था हमारा राफ्ट. राफ्ट में सब पता है, ये जो राफ्टिंग करते हैं और ये जो बोट होता है, ये क्राफ्ट होता है, इसे बोलते हैं राफ्ट. और एक राफ्ट को मतलब जो लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, मतलब कि जो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब जो बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, उसे कहते हैं राफ्ट. नेक्स्ट वर्ड था हमारा इनिमिकल. इनिमिकल मतलब नॉट फ्रेंडली, जो आपके फ्रेंडली ना हो. तो इसको याद रखो, आप एनिमी से हो, कि जो आपके एनिमी हो. अब जो फ्रेंडली नहीं है तो वो आपके दुश्मन होंगे, वो आपके लिए हार्मफुल होगा, आपके लिए हॉस्टाइल होगा, तो वो होगा इनिमिकल. नेक्स्ट वर्ड था हमारा एग्जास्परेट. एग्जास्परेट मतलब किसी को गुस्सा, मतलब किसी को भड़काना, किसी को किसी के खिलाफ भड़काना या किसी को गुस्सा दिलाना, कहते हैं एग्जास्परेट. नेक्स्ट वर्ड था हमारा डिसमल. डिसमल मतलब अपने, मतलब उसने कोई काम किया और उस काम से वो संतुष्ट नहीं है, एक्सट्रीमली अनसेटिस्फाइड है, तो उसे कहते हैं डिसमल. नेक्स्ट वर्ड था हमारा रेटिन्यू. रेटिन्यू मतलब किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के पीछे पीछे जो लोग रहते हैं, उन्हें बोलते हैं रेटिन्यू. मतलब उनका बॉडीगार्ड होगा या उनके असिस्टेंट या पीए या और भी उनके जो लोग होते हैं, उसे कहते हैं रेटिन्यू. सो गाइस, हमने सारे वर्ड डिस्कस किए. एक बार आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे रिवाइज कर लो के सारे वर्ड्स को, ये जो आज मैंने डिस्कस किए हैं, एंड जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए, एक बार बेस से भी रिवाइज कर लो के. एंड गाइस, आप में से आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है ये सब के जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये सब वर्ड डिस्कस किया, तो आपको बताना ये सब का मतलब क्या होता है. ओके, देखो आप रिवाइज करो, आपको याद है कि नहीं. और नहीं याद है तो गाइस नो प्रॉब्लम, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सारे का आपको मीनिंग मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर एक बार इसे रिवाइज करें. अगर आपको ठीक से याद नहीं आ रहा होगा तो आप वहाँ से जाकर एक बार इसे रिवाइज करें. ओके गाइस, जैसे मैंने कहा था ना कि वर्ड जो मैं डिस्कस करने वाला, तो यही वो वर्ड है गलीबल. गलीबल, गलीबिलिटी, मैंने वर्ड डिस्कस था गलीबल. तो आप एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको, ये एक्चुअली हमें लिखा नहीं ना, इसका आपको बताना है सिनोनिम्स. इसका सिनोनिम्स क्या होगा, गलीबिलिटी का सिनोनिम्स क्या होगा. तो आप ये एक्चुअली उसने बताया था कि ये किसी प्रीवियस एग्जाम में आया है, तो आपको बताना है गलीबिलिटी का सिनोनिम्स क्या होगा. आप एक बार देख लो, आपको पता है कि नहीं, वीडियो पॉज करो, आप एक बार ट्राई कर लो. ओके ओके ट्राई. ओके, आप में से शायद, आप में से बहुत शायद किया भी होगा अच्छे, तो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं इसको डील कर लूँगा. ओके, आप बताना कि आप में से कितने का मतलब सही था गलीबिलिटी का सिनोनिम्स. ओके, तो देखो हम इसे डील करते हैं. जैसे मैंने पहले यही देख लेते हैं, देखो यह था श्रूडनेस. गलीबल का मतलब तो आपको पता है ना, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, जिसे हम इजली धोखा दे सकते हैं, जिसे हम उल्लू बना सकते हैं, क्योंकि वो किसी के बातों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, किसी पर जल्दी वो ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि वो बहुत भोला भाला होता है, तो उसे ही कहते हैं गलीबल. तो वहीं से गलीबिलिटी, तो इसको श्रूडनेस. ओके, श्रूडनेस, देखो ये वर्ड मैंने डिस्कस किया है, SHREW, श्रू. मैंने किया ना डिस्कस, जो झगड़ालू औरतें होती है, झगड़ालू इसलिए उसे बोलते हैं श्रू. लेकिन यहाँ देखो SHREWED है ना, तो ये श्रूड का मतलब एस्टीट्यूड. एस्टीट्यूड मतलब जो बहुत चतुर चालाक पर्सन होता है ना, उसे बोलते हैं एस्टीट्यूड. मतलब जिससे एक्चुअली में जिससे जो प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब जो दुनियादारी की समझ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जिस जो प्रैक्टिकल नॉलेज, दुनियादारी की नॉलेज ज़्यादा होती है, उसे ही कहते हैं श्रूड. तो उसे वहीं से श्रूडनेस. एंड सिंप्लिसिटी, इसका मतलब तो आपको पता ही है. एविडिटी मतलब जो बहुत जो उत्सुक होता है, बहुत उत्सुक या इच्छुक होता है, उसे बोलते हैं एविडिटी. एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब तो आपको पता है, जो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं यूज़ होता. फिर इंग्लिश में होता है मतलब जो बहुत वजनदार होता है, जैसे होता है ना, जैसे उसके बातों में बहुत वजन है, तो उस टाइम में सेंस होता है ग्रेविटी. तो देखो अब इसका मीनिंग, जैसे मैंने माना गलीबल, गलीबल में कहीं वो आ रहा है ऐसा कोई सेंस, जहाँ कोई चीट का कुछ होगा या किसी को धोखा देना या किसी को उल्लू बनाने का कुछ आ रहा है इसमें. आपको ये चारों में से कुछ भी, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा. ग्रेविटी अलग है,
ये भी अलग है, सिंपल है तो सिंपल होता है, श्रूडनेस तो ये होता है, लेकिन इसका आंसर मालूम है क्या है? सिंप्लिसिटी, मतलब इसका सिनोनिम्स है सिंप्लिसिटी। तो जो मैंने बताया था गलीबल का मतलब, अगर आपने उसको गौर से सुना होगा, बहुत ध्यान से सुना होगा, तो आपने शायद टिक किया होगा सिंप्लिसिटी। तो जैसे मैंने कहा ना, जिसे आप इजली उल्लू बना सकते हो, क्योंकि वो पर्सन किसी पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, वो मतलब आप उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ पाते हो, क्यों नहीं मतलब किसी का वो ट्रस्ट जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि वो बहुत भोला भाला पर्सन होता है, तो वहीं से भोला भाला पर्सन क्या होगा? सिंपल होगा, सिंप्लिसिटी में रहेगा, तो वहीं से ये आएगा सिंप्लिसिटी। ओके, तो देखो वर्ड को डीपली समझना क्यों जरूरी है, आपको ये पता चल गया होगा। अगर देखो आप ये कहीं भी आप पढ़ो ना, गलीबल का मीनिंग आप गूगल में पढ़ो, कोई भी डिक्शनरी पढ़ो, आपको उसका मीनिंग पता होगा कि इजली डिसीव, जिसे आप इजली उल्लू बना सकते हो, इजली डिसीव ट्रिक कर सकते हो, उसका मतलब होता है गलीबल। तो आपको कहीं से भी कोई सेंस में आ रहा है यूज़ की, उसका सिनोनिम्स हो सकता है सिंपली, या मतलब सिंपल या सिंप्लिसिटी, नहीं आ रहा है। ओके, नहीं आप मतलब होगा ही नहीं जब तक आप वर्ड को डीपली नहीं पढ़ोगे, इसलिए ये सब क्वेश्चन बनेगा नहीं। ओके, तो आपको जो मैं वीडियो में बताता हूँ, आपको मतलब एक एक वर्ड को मतलब बहुत आपको मतलब उसको बहुत बारीकी से बताता हूँ, मतलब उस वर्ड को मतलब आपने देख गौर किया होगा तो उसे मैं बहुत अच्छे से डीपली और बहुत लॉन्ग मतलब एक एक एग्जांपल देकर और अच्छे से समझाता हूँ, इसलिए ताकि आपको ये जैसे मैंने कहा ना भोला भाला, तो एक भोला भाला ही आपने वर्ड नोटिस किया होगा तो ही ये क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो ये मतलब आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं इसका मतलब आप ये रॉन्ग कर दोगे या आप ये क्वेश्चन छोड़ दोगे, ऑब्वियस है बात। ओके, तो गाइस इसीलिए मैंने कहा वीडियो को मतलब वोकैबुलरी को अच्छे से लॉन्ग मतलब जब मैंने डीपली समझा, वो डीपली समझना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। आप में से बहुत को प्रॉब्लम होता है कि सर वीडियो को लेंथ उसका शॉर्ट करो, तो भाई अगर मैं वीडियो का लेंथ शॉर्ट कर दूंगा तो जो मैं बातें बता पा रहा हूँ क्या वो मैं जल्दी जल्दी बता पाऊँगा? नहीं ना, इसीलिए। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा, और जो समझते हैं वो तो पहले ही से बहुत समझदार हैं। ओके, सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइज इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर।